देखो बेटा, आज हम करेंगे अज्यूम दैट ए गिवन फजी कॉम्प्लीमेंट सी हैज इक्विलिब्रियम पॉइंट ई सी। ई सी क्या है? इक्विलिब्रियम पॉइंट है। इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या होता है कि इसका कॉम्प्लीमेंट खुद इसी एलिमेंट के इक्वल आएगा। क्लियर हुआ? अब इस इक्विलिब्रियम पॉइंट से कोई भी अगर ए लेस देन है तो ये कहता है कि उसका कॉम्प्लीमेंट फिर ए से क्या आएगा? ग्रेटर देन और इक्वल टू। अगर इस इक्विलिब्रियम पॉइंट से कोई ए बड़ा है तो उसका कॉम्प्लीमेंट फंक्शन क्या आएगा? कॉम्प्लीमेंट फंक्शन क्या आएगा? लेस देन इक्वल टू ए आएगा। इफ एंड इफ ओनली का केस है। फर्स्ट भी हमें कन्वर्सली भी ट्रू करना होगा और सिंपल भी। इसमें भी हमें कन्वर्सली और सिंपल भी दोनों ट्रू करने होंगे। क्लियर हुआ? तो ये थ्योरम है फजी कॉम्प्लीमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट के ऊपर। देखो, फर्स्ट सपोज दैट कि ए और ई सी किस में बिलोंग करते हैं? 0-1 में। सच दैट कि ये क्या है? इक्विलिब्रियम पॉइंट है। सबसे पहले हमने देन यदि ये दो पॉइंट बेटा इस इंटरवल में बिलोंग करते हैं तो क्या क्या सिचुएशन हो सकती है? हो सकता है कि ए छोटा हो, ये बड़ा हो सकता है दोनों इक्वल हों, हो सकता है ए बड़ा हो। ये तीन ही कंडीशन हो सकती है और कुछ नहीं हो सकता। यहाँ पे देन कर लेना, सच दैट काट कर देना है यहाँ से। देन यदि ए और ई सी बिलोंग टू 0-1 सपोज कर लिया ये, तो ये तीन कंडीशन ही होंगी, या तो लेस देन होगा, या इक्वल होगा, या फिर ग्रेटर होगा। सी क्या है बेटा? मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। लेस देन में जब हम कॉम्प्लीमेंट लगाएंगे तो सिंबल चेंज हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू में। यहाँ पे इक्वलिटी का इक्वलिटी रहेगा और ग्रेटर देन का सिंबल चेंज हो जाएगा लेस देन और इक्वल टू में। यहाँ पे अब ई सी क्या दे रखा है? इक्विलिब्रियम पॉइंट दे रखा है ना, तो इसका कॉम्प्लीमेंट खुद ई सी के इक्वल। तो इसका मतलब कि सी ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू ई सी, सी ए ग्रेटर देन इक्वल टू ई सी, और यहाँ पे सी ए इज लेस देन इक्वल टू ई सी। क्लियर हुई बात इतनी? उसके बाद सपोज, ये सपोज कर लिया हमने कि ये तो अपनी जर्नल आ गई। अब हमने यहाँ से फर्स्ट पार्ट प्रूव करेंगे, ये तो जर्नल है, समझ आ गई? ये क्या है? जर्नल इन्फॉर्मेशन है जो दोनों में काम आएगी। फर्स्ट पार्ट को प्रूव करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने सपोज कर लिया सबसे पहले ये कि ए क्या है? लेस देन इक्वल टू ई सी है। सबसे पहले हमने ये सपोज कर लिया कि ए क्या है? लेस देन इक्वल टू ई सी। प्रूव करेंगे ये, तो ए लेस देन इक्वल टू ई सी हमने सपोज कर लिया, तो सी ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट छोटे का बड़ा और बड़े का छोटा, उल्टा खुलता है ना। तो सी ई की पावर, सॉरी सी ई सी, ई सी क्या है? इक्विलिब्रियम पॉइंट, तो इसकी वैल्यू यही होगी। तो सी ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ गया? ई सी आ गया। क्लियर हुई इतनी बात? अब देखो यहाँ से सी ए इज ग्रेटर देन आ गया ई सी से, और ई सी ग्रेटर देन है किससे? ए से। तो यहाँ से इसको और इसको अगर हम लें तो सी ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ गया? ए आ गया। क्लियर? सी ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए, तो इसका मतलब कि हो गया फर्स्ट प्रूफ। यही तो चाहते थे हम कि ए इज लेस देन इक्वल टू ई सी लेके चले थे और इससे हमारा ये रिजल्ट आ जाए, आ गया। अब कन्वर्सली सपोज कर लिया कि ये कि ए इज लेस देन है किससे? सी ऑफ ए से। रिक्वायर्ड टू प्रूव क्या करना है? कि ए इज लेस देन इक्वल टू ई सी, इफ पॉसिबल दिस इज ग्रेटर देन। यदि ये ग्रेटर देन होता तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आता? लेस देन आता, रिवर्स खुलता। अब हम यदि हम थर्ड और फोर्थ को इसको और इसको कंबाइन कर दें, कैसे? देखो, ई सी से छोटा कौन है? सी ए, और सी ए से छोटा कौन है? ए। तो इसका मतलब कि ए किसे छोटा आ गया? ई सी से। तो ए किसे छोटा आ गया? ई सी से। बात समझ में आ गई? क्लियर हुआ? कंबाइनिंग थर्ड एंड फोर्थ दिस हैंस प्रूव द फर्स्ट। समझ आ गया? तो यहाँ से क्या आ गया? ये वाली चीज़ आ गई, समझ आ गया? क्योंकि ये इसको क्या कर गई? कंट्राडिक्ट कर गई, क्योंकि एक पॉसिबिलिटी मानी थी, ये पॉसिबिलिटी आई नहीं, ये उल्टा आ गया। तो इसका मतलब कि डीजे कंट्राडिक्ट टू दिस, और इसका ये ग्रेटर नहीं होगा, क्या होगा? लेस देन और इक्वल टू। समझ आ गया? उसके बाद देखो इसी तरह का ये सेकंड पार्ट है जो बिल्कुल डिटो है, सेम। ये कहता है कि फर्स्ट सपोज दैट कि ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी ए। अब प्रूव करना है ये। अब लेट मानने के उल्टा कि ए इज लेस देन है ई सी से, तो कॉम्प्लीमेंट लगा दो, कॉम्प्लीमेंट ऐसे खुलेगा। तो इसका मतलब कि सी ए इज ग्रेटर देन किसे हो जाएगा? ई सी से, क्योंकि इसका कॉम्प्लीमेंट तो इसी के इक्वल आएगा। अब यहाँ से देखो फिफ्थ और सिक्स्थ, फिफ्थ ये रहा और सिक्स्थ ये रहा। सी ए इज ग्रेटर देन है ई सी से, और ए ग्रेटर देन है सी ए से, तो देर फोर ए किससे ग्रेटर देन हुआ? ई सी से ग्रेटर देन इक्वल टू रहा। यही प्रूव करना था, हमने कर दिया। अब हम लेट करके चलेंगे ये, और रिलेशन दिखाना हमने ए ग्रेटर देन इक्वल टू ई सी। क्लियर? ए ग्रेटर देन इक्वल टू ई सी, टेकिंग कॉम्प्लीमेंट ऑन बोथ साइड। तो सी ए
लेस देन इक्वल टू ई सी, ई सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी ए, एक ही बात है। और इसका मतलब बाई सेवन्थ और एट्थ कंबाइन करें, ए ग्रेटर देन है ई सी से, ई सी ग्रेटर देन है इससे, तो देर फोर ए ग्रेटर देन हुआ सी ए से। यहाँ पर ट्रांजिटिविटी प्रॉपर्टी लग जाएगी। ओके देखो बेटा, नेक्स्ट थ्योरम हम कर रहे हैं, थ्योरम 3.4। इफ सी इज ए कंटिन्यूस फजी कॉम्प्लीमेंट, देन ये कहता है कि सी हैज़ ए यूनिक इक्विलिब्रियम। यदि सी आपके पास कोई कंटिन्यूस फजी कॉम्प्लीमेंट है तो सी का क्या होगा, एक यूनिक इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। वी नो दैट इक्विलिब्रियम ई सी ऑफ ए फजी कॉम्प्लीमेंट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या होता है बेटा, इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है जो इस इक्वेशन को क्या करे, सेटिस्फाई करे। क्योंकि सी ई सी इज इक्वल टू ई सी आ जाएगा तो इक्विलिब्रियम पॉइंट हो जाएगा, तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाला जो भी पॉइंट होगा उसको हम इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलेंगे। इक्वेशन नंबर वन हैज ए स्पेशल केस ऑफ सी ए माइनस का ए इक्वल टू बी, क्योंकि ये स्पेशल केस था, हमने लास्ट थ्योरम में भी इसको डिस्कस किया था। यदि बी इक्वल टू जीरो होगा, समझ आ गई बात है, तो वहाँ से हमने क्या लिया था, इस इक्वेशन को ड्राइव किया था बी इक्वल टू जीरो। यहाँ पे ये इसका क्या है, स्पेशल केस है, क्योंकि यहाँ पे बी की वैल्यू जीरो, तो स्पेशल केस हुआ ना, बी इक्वल टू जीरो, इस ये जनरल हुई, ये स्पेशल हुई, जहाँ पे बी की वैल्यू क्या है, माइनस वन टू वन कोई भी कॉन्स्टेंट है। और आपको पता है कि सी ऑफ जीरो की वैल्यू कितनी होती है, वन होती है, और सी ऑफ वन की वैल्यू कितनी होती है, जीरो। तो देयरफॉर सी ऑफ जीरो माइनस का जीरो इक्वल टू वन हुआ, और सी ऑफ वन माइनस का वन इक्वल टू कितना हुआ, माइनस का वन। क्लियर हुआ? तो ये भी क्या कर गया, ये भी इस इक्वेशन को क्या कर गया, सेटिस्फाई। यहाँ पे बी की वैल्यू कितनी है, वन, और यहाँ पे बी की वैल्यू कितनी है, माइनस का वन। समझ आ गया? तो यहाँ पे आपके पास दो पॉइंट मिल गए, जीरो इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस, वन इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस। बात समझ में आ गई? इस ये दोनों इक्वेशन के क्या हैं, इस इक्वेशन के क्या सॉल्यूशन है, जीरो इसका सॉल्यूशन है और वन इसका सॉल्यूशन है। अब आपको पता है कि जो कॉम्प्लीमेंट फंक्शन होता है वो कंटिन्यूस फंक्शन होता है, और कंटिन्यूस फंक्शन अगर हो और आपके पास दो फंक्शनल वैल्यू हैं, ये देखो ये फंक्शनल वैल्यू है यहाँ पे, समझ आ गया? ये कुछ मैं अगर आपको दिखाऊँ तो ये ऐसा होगा। मान लिया कि ये फंक्शन है आपके पास, ये ए और बी हैं, ए क्या है, जीरो टू वन, जीरो इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस, जीरो के ऊपर वैल्यू है वन, जीरो के ऊपर फंक्शन की वैल्यू कितनी है, देखो यहाँ से जीरो के ऊपर फंक्शन की वैल्यू है वन। क्लियर? तो ये वन हुई, यानी एक तो पॉइंट ये हुआ। फिर वन इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस, यानी इस फंक्शन की वन के ऊपर वैल्यू क्या है, माइनस का वन, वन के ऊपर कितनी है बेटा, माइनस का वन। यहाँ पे मान ले कि ये क्या है, यहाँ पे ले लो ये माइनस का वन हुआ, यहाँ पे जीरो के ऊपर वन और यहाँ पे माइनस का वन, तो एक ये पॉइंट आ गया, क्योंकि दो ही पॉइंट हुए ना, जीरो के ऊपर वन वैल्यू आई और वन के ऊपर कितनी आई, माइनस का वन। तो ये तो पॉइंट हुआ जीरो और वन, और ये हुआ वन और माइनस का वन। और फंक्शन क्या है बेटा, कंटिन्यूस फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस। क्लियर? अगर फंक्शन कंटिन्यूस है और इसके बीच में कोई भी वैल्यू यहाँ पे हम लेते हैं, अगर हमने यहाँ पे माइनस वन टू वन कोई भी पॉइंट उठा लिया, माइनस वन टू वन कोई भी पॉइंट उठा लो आप, चाहे ये उठा लो, इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें यहाँ से ये वैल्यू मिलेगी, इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें ये मिलेगी, इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें ये मिलेगी, इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये मिलेगी, इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें ये मिलेगी, इसके कॉरस्पॉन्डिंग मुझे ये मिलेगी, इसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ से ये, यहाँ से ये, यहाँ से ये, ऐसे। क्लियर क्लियर हुई बात, समझ आ गया? इसका मतलब क्या है कि इधर से कोई भी पॉइंट उठाओगे आपके पास जीरो टू वन में कोई ना कोई ऐसा पॉइंट जरूर मिल जाएगा जिसकी वो क्या होगी, फंक्शनल वैल्यू होगी। ये क्या होती थी आपकी इंटरमीडिएट थ्योरम, ठीक है? तो इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग फॉर द कंटिन्यूस फंक्शन वी हैव कि बी आपके बी अगर आप कोई भी माइनस वन टू वन कोई भी बी यहाँ से उठाया इसने कोई भी बी
माइनस वन टू वन, अगर इसमें से यहाँ से यहाँ तक कोई भी पॉइंट अगर बी आप उठाओगे तो आपके पास एक ए मिलेगा। ए कहाँ से? इस जीरो टू वन इंटरवल में से, जीरो टू वन इंटरवल में से आपको ए मिलेगा कि सच दैट कि उसकी फंक्शन वैल्यू कितनी होगी? बी होगी। उसकी फंक्शन वैल्यू कितनी होगी? यहाँ पे बी होगी। तो देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन सॉल्यूशन, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास कम से कम एक सॉल्यूशन इस इक्वेशन का जरूर मिलेगा, कम से कम एक सॉल्यूशन इस इक्वेशन का जरूर मिलेगा। तो यदि इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन मिलेगा एंड आपको पता है कि सी ऑफ ए माइनस का ए इजल टू जीरो, क्लियर? क्यों? क्योंकि यदि हम बी के जगह पे जीरो उठा लें तो सी ऑफ ए माइनस का ए इजल टू जीरो हो जाएगा। इसका भी कम से कम एक सॉल्यूशन जरूर मिलेगा। अगर इसका कम से कम एक सॉल्यूशन जरूर मिलेगा तो क्या होगी? इक्विलिब्रियम पॉइंट की एग्जिस्टेंस होगी। कैसे? कि सी ऑफ ए माइनस का ए इजल टू जीरो आ गया तो बेटा सी ऑफ ए इजल टू ए नहीं आ गया, तो ए का कम्प्लीमेंट इजल टू ए आ गया। ए का कम्प्लीमेंट इजल टू ए आ गया, तो ए क्या होगा? इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो ये एग्जिस्टेंस हो गई। एग्जिस्टेंस का मतलब कि इक्विलिब्रियम पॉइंट एग्जिस्ट हो गया, क्लियर? तो बट वी नो दैट फजी कम्प्लीमेंट हैज एटमोस्ट वन इक्विलिब्रियम पॉइंट। ये कहता है कि लेकिन फजी कम्प्लीमेंट क्या करेगा? ज़्यादा से ज़्यादा एक ही इक्विलिब्रियम पॉइंट को क्या करेगा? एग्जिस्ट करेगा। तो देयरफॉर यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है एटलीस्ट की जगह पे, यहाँ पे एटमोस्ट है और यहाँ पे एटलीस्ट है, तो ऑन बोथ साइड से क्या आ जाएगी? इन दोनों से मिला करके यूनिक, मतलब कि एक ही होगा, ठीक है? वहाँ से बोल रहे हैं एटलीस्ट है, यहाँ से बोल रहे ज़्यादा से ज़्यादा एक है, वहाँ से बोल रहे कम से कम एक है, तो देयरफॉर एक ही होगा। फाइंड द इक्विलिब्रियम पॉइंट, ये कहता है कि फाइंड द इक्विलिब्रियम पॉइंट फॉर ईच इंडिविजुअल फजी कम्प्लीमेंट सी लैम्डा ऑफ सुगैनो क्लासेस। सुगैनो क्लासेस कौन से होते हैं बेटा? पीछे भी आता है ये सुगैनो क्लासेस का सेट फंक्शन कैसे खुलता है, ऐसे देखो, ये पीछे आया था, ये समझ आ गया? तो ऐसे खुलता है। तो ये कहता है कि यदि हम ए को ई सी ले लें इक्विलिब्रियम पॉइंट, तो इसका मतलब कि इसके ऊपर इसका कम्प्लीमेंट ई सी के इक्वल, ई सी के इक्वल, ठीक है? तो इसके इज इक्वल टू ई सी के इक्वल, ई सी मतलब कि ए है, क्लियर हुआ? यहाँ से हमने इसको फंक्शन को खोल दिया और यहाँ से ई सी के इक्वल ले लिया। अब डिवाइड बाई वन और क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी और क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हम क्या निकाल लेंगे? इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लेंगे। अब ये कहता कि यदि लैम्डा की वैल्यू जीरो होगी तो वैल्यू वन बाई टू आ गई, क्योंकि ये जीरो, फिर ये टू आ जाएगा, बात समझ में आ गई? तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? वन बाई टू बाई सेकेंड से। और यदि लैम्डा नॉट इक्वल टू जीरो रहा तो यहाँ से फोर कॉमन लेकर के टू वगैरह कैंसिल कर देना, तो ये वैल्यू आ जाएगी, क्लियर? तो ये इसके इक्विलिब्रियम पॉइंट आ जाएंगे, उस फंक्शन के इक्विलिब्रियम पॉइंट आ जाएंगे। अब हमें क्या निकालना नेक्स्ट में? ड्यूअल पॉइंट्स, ये ड्यूअल पॉइंट की डेफिनेशन है, उससे आगे क्या है? थ्योरम्स, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।